हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीनूज होम फूड। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। सूजी का हलवा सबको बहुत अच्छा लगता है और इसकी खास बात ये है कि ये 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब कभी आपका मीठा खाने का मन करे आप हलवा बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेम क्वांटिटी में एक कटोरी चीनी, एक कटोरी सूजी और एक कटोरी घी लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है और एक कटोरी घी मैं इसमें डाल दूँगी। घी को मैंने पहले मेल्ट कर लिया था मेजरमेंट के लिए। अब मैं डाल दूँगी इसमें क्रश किए हुए बादाम और ये एक टेबल स्पून के लगभग मैंने पिस्ता लिए हैं। इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 8 से 10 काजू, इनको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 से 3 छोटे इलायची, इनको मैंने कूट के डाला है। आप चाहें तो इनका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। अब मैं इनको 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स हलवे में बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो धीमी आंच पे हम इनको रोस्ट करेंगे। देखिए, इनको लगभग 1.5 से 2 मिनट हो गया है तो मैं इनको निकाल दूंगी। अब गर्मा गर्म घी में हम डाल देंगे सूजी और सूजी को अब हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि सूजी नीचे ना लगे। और इसको हमने लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, सूजी का कलर चेंज हो गया है, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है और सूजी में जितना भी झाग था वो भी बैठ गया है। तो हमें इसे इतना ही पकाना है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें पानी। एक कटोरी सूजी ली थी हमने तो इसमें 4 कटोरी पानी हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको हिला लेंगे और अब इसे ढक्कन लगाकर लगभग 2 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी ऐड करेंगे। इसे लगभग 2 मिनट हो चुके हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सूजी थोड़ा सा सेट होना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने थोड़े से किशमिश लिए हैं लगभग 1 टेबलस्पून और ये ड्राई फ्रूट जिनको हमने पहले ही रोस्ट कर लिया है, अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे पकाएंगे गाढ़ा होने तक। ये देखिए, हमारा हलवा गाढ़ा हो चुका है, ये लगभग बन चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और उसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हलवा हमारा बना है। इसकी सॉफ्टनेस देखिए, इसका कलर देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और ये देखिए, एक एक दाना हमें हलवा का दिखाई दे रहा है, एकदम दानेदार, खुशबूदार और खिला खिला सा हलवा हमारा बना है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको ऊपर की तरफ से प्लेन कर लेंगे इस तरह से, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये वाला स्टेप यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म हलवा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप हलवा बनाएं इसे गर्मा गर्म परोसिए। जैसे जैसे हलवा ठंडा होता जाता है इसमें ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है और इसका जितना भी मॉइस्चर होता है सूजी एब्जॉर्ब कर लेती है। गरम गरम हलवा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप इसे गर्मा गर्म खाइए और एंजॉय कीजिए।
फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।